हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी रेसिपीज़ बाय पल्लवी। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल को डाला है और इसमें अपने कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, 2 हरी इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया था उनको ऐड किया है और इनको आप हल्का सा ऑयल में भुन जाने दीजिए। फिर उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाला और जीरा डालकर इसमें मैंने 2 बड़ी प्याज जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था उसको मिला लीजिए और हल्का सा सुनहरा होने तक भून लीजिए। और प्याज के भुन जाने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 बड़े टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें, 10 से 12 काजू और 1 अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को भी आप 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए और भून जाने के बाद इसको ठंडा होने पर इसका एक पेस्ट रेडी कर लीजिए। और अब इस पेस्ट को आप छान लीजिए। छानने से क्या होगा, हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनेगी और उसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होगा और जो एक्स्ट्रा इसमें रेशेज हैं वो निकल जाएंगे। फिर एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालने पर इस पेस्ट को आप अपने ऐड कर लीजिए और फिर इसमें कुछ मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और शाही पनीर मसाला जो मैंने MDH का लिया है 1 बड़ा चम्मच उसको ऐड कर लीजिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आप लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक भून लीजिए और जब ये भून जाए तो अब इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पानी को ऐड कर लीजिए। पानी की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थिक रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी को ऐड कीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें अपने पनीर के क्यूब्स को डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाकर फिर इसमें कसूरी मेथी को ऐड कर लीजिए। अच्छे से लो फ्लेम पर पकने दीजिए और जब आपकी ग्रेवी पक जाए तो इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए आप इसमें 1 चम्मच हनी को ऐड कर लीजिए। हमारा शाही पनीर बनकर तैयार है। आइए इसको सर्व करते हैं और सर्व करते हुए इस पर आप फ्रेश मलाई या फिर क्रीम उसको डालकर सर्व कीजिए। Thank you.